हाँ जी, कैसे हो सारे के सारे। तो वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो एक न्यूज़ निकल के आ रही है पबजी की तरफ से। आप लोगों को पता ही होगा कि पबजी का जो बैन है वो पूरा परमानेंट हो चुका है आज से, मतलब 30 अक्टूबर से सारे सर्वर बंद कर दिए जाएंगे टेंसेंट के। लेकिन इसमें खुशखबरी निकल के आई है, इसकी वजह से ही खुशखबरी निकल के आई है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पबजी बैन तो हो रहा है परमानेंटली कहने की बात है, लेकिन इसकी वजह से ही पबजी वापस भी आने वाला है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा क्यों सर्वर डाउन किए गए हैं, सर्वर बंद किए गए हैं इंडिया में, और क्या इसकी वजह है वापस आने की। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, पबजी के जो सर्वर्स हैं इंडिया में अब बैन कर दिए गए हैं। पबजी तो पहले ही इंडिया गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही पबजी बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, तो प्ले स्टोर से हट गया था, गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से हट गया था। उसके बाद लोगों ने क्या करा, पबजी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लिया गेम और चला रहे हैं, क्योंकि जो उनके सर्वर थे टेंसेंट वाले, जो कि चाइनीज़ है, टेंसेंट मतलब चाइनीज़, वो सर्वर्स इंडिया में काम कर रहे थे तो लोग खेल पा रहे थे। पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लोग बैन के बाद भी खेल पा रहे थे क्योंकि सर्वर्स अभी तक बंद नहीं करे गए थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि पूरे 2 महीने बाद 30 अक्टूबर को पबजी की तरफ से ही अनाउंसमेंट आई है कि टेंसेंट के जो सर्वर है, टेंसेंट से पहले ही वो अपना नाता तोड़ने की बात कर चुके थे, अपने एक उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला था उसमें कह चुके थे वो हम इंडिया में टेंसेंट से नाता तोड़ने वाले हैं। तो पूरे 2 महीने बाद उन्होंने अब तोड़ा है, तो 30 अक्टूबर से आपका पबजी नहीं चलेगा, वो तो आप लोगों को वैसे पता लग गया होगा। बात रहे कि 2 दिसंबर की मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने बैन तो कर दिए सर्वर, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो दूसरी कंपनी के साथ अपना टाई अप कर रहे हैं। क्राफ्टन INC करके एक कंपनी निकल के आई है जिसके साथ ये कर रही है, ये कोरियन कंपनी है। ऐसे ही वियतनाम में हुआ था, वियतनाम में भी बैन हो गया था पबजी, लेकिन पबजी ने वहीं की एक कंपनी के साथ टाई अप करा, दूसरी कंपनी के साथ आई जो कि चाइनीज़ नहीं थी। ऐसे ही इंडिया में होगा, उस कंपनी के साथ पबजी आएगी जो चाइनीज़ नहीं होगी, और उस कंपनी का नाम निकल के आ रहा है क्राफ्टन INC। इंडियन कंपनी भी हो सकती है, आपको बहुत न्यूज़ आई होगी कि पबजी जियो के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, एयरटेल के साथ कर रहा है, या दूसरी और इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, तो उनका काम चल रहा है। बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं फेक है, फेक नहीं है यार, वो उनका टाई अप नहीं हुआ होगा, पबजी का टाई अप नहीं हुआ होगा जियो के साथ, बात नहीं बनी होगी, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हो गए। तो पबजी ने पूरा फैसला कर लिया है, टेंसेंट को नाता तोड़ दिया है, इंडिया में सर्वर्स बंद कर दिए, मतलब चाइनीज से पबजी का इंडिया में पूरा कनेक्शन हटा दिया गया है। अब वो दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर चुका है। 2 दिसंबर क्यों बता रहा हूँ, 2-3 महीने इनको लगेंगे, और पिछले कुछ महीनों से भी काम चल रहा है, जो टेंसेंट के जो सर्वर्स पे आपका डाटा पड़ा है, आपकी जो ID पड़ी है, आपका जो रिकॉर्ड्स पड़ा है, उसको दूसरी कंपनी में, दूसरे सर्वर्स में शिफ्ट करने में लगेगा टाइम। इसलिए जो डेट निकल के आई है लीक्स और रिपोर्ट के थ्रू, वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से पहले भी आ सकती है, 2 दिसंबर के बाद भी। और ये भी बात निकल के आ रही है कि जैसे कि टेंसेंट के जो सर्वर्स थे वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो इंडिया के नियरेस्ट कंट्रीज है, नियरेस्ट रीजन है, उन पे आप अभी भी पबजी खेल सकते हैं। वो कैसे खेल सकते हैं, VPN लगा के या जो भी तरीका है, वो तो यार मैं सजेस्ट करूँगा अभी मत खेलिए, थोड़ा वेट करिए, अनबैन होने का वेट करिए या अगली न्यूज़ आने का वेट करिए। अभी आपने 2 महीना खेल लिया, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, टेंशन अभी पूरी अच्छी तरह बैन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब पूरी तरीके से सर्वर भी डाउन कर दिए गए हैं, तो दूसरे सर्वर्स में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश मत करिए, आपकी क्या पता ID बैन हो जाए। ये पूरी सेफ्टी के लिए मैं आपकी बता रहा हूँ। और एक बात और बता देता हूँ, आपको शौक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि पबजी ने अगर आज ही 1-2 दिन में या हफ्ते में या 15-10 दिन में अनाउंसमेंट कर दी कि इंडिया के सर्वर इस डेट को चालू हो जाएंगे, मतलब इस डेट को पबजी अनबैन हो जाएगा, कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है। वो अपना टेंसेंट के जो सर्वर से, जो चाइनीज सर्वर है, वो बंद कर दिए गए हैं, अब डाटा शिफ्ट होगा। और आपको एक न्यूज़ भी निकल के आई होगी, लिंक्डइन पे पबजी ने अपना डाला था जॉब के लिए, कुछ कह रहे थे कि वो पबजी के लिए डाला है, पबजी मोबाइल नहीं है, पबजी PC है। तो यार कहने का मतलब ये है, पबजी पूरी कोशिश कर रहा है इंडिया में वापस आने की, कभी वो इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करने की सोचता है। अब सर्वर्स बंद कर दिए गए हैं, चाइना वाले सर्वर अब बंद कर, 2 महीने से चल रहे थे लेकिन अब उन्होंने बंद करे हैं, अब उनकी वापसी का टाइम आ चुका है। उसके बाद उन्होंने जॉब्स के लिए डाला,
कुछ कह रहे हैं कि वो पबजी पीसी के लिए था, तो जो भी है उनका पूरा काम चल रहा है अपनी तरफ से इंडिया में वापसी करने का। और आप कभी भी मतलब एकदम से शॉकिंग न्यूज़, एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है कि पबजी हो चुका है अनबैन, लेकिन जो डेट निकल के अभी आ रही है वो है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर निकल के आ रही है डेट, जब वो दूसरी कंपनी है दूसरी के साथ टाई अप करके आएगा। वो इंडियन कंपनी भी हो सकती है और नॉन चाइनीज़ कंपनी तो होगी ही होगी, ठीक है। वो नॉन चाइनीज़ कंपनी होगी, वो इंडियन हो या वो कोरियन हो। पबजी टेंसेंट का नाता टूट चुका है इंडिया में, सर्वर्स तो बैन हो चुके हैं, नया आने वाला है पबजी इंडिया के लिए। सो यही थी वीडियो, मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, लाइक कर देना है। अलग से मेरे को न्यूज़ मिलती है कोई पबजी की लेटेस्ट, नॉर्मल तो यार सब डाल देते हैं, मैंने कुछ सोचा अलग से लेकर आता हूँ जो आपको बिल्कुल श्योरिटी देगा, टेंशन लेने की जो बात नहीं होगी। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना है लाइक, मैं और सारी वीडियोस लाता रहता हूँ लेटेस्ट एकदम से ऐसे करके ले आता हूँ न्यूज़, कोई मेरे को पता लगती है आपके लिए बहुत बेनिफिट होती है, इंस्टाग्राम की बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ में लेकर आता हूँ। सो चैनल को वापस से कर देना है सब्सक्राइब, मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके जाना यार, जब भी तो आपको पता चलेगा कि पबजी अनबैन होने वाला है। इस वीडियो का क्या निकल के आया है बाद में आंसर, कि जो ये रिपोर्ट्स निकल के आई है असली थी कि सच थी, अभी मैं बताऊँ बिल्कुल असली है, बैन हो रहा है सर्वर लेकिन न्यू सर्वर्स के साथ आएंगे। सो कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आप अभी भी पबजी खेल रहे थे या आप वेट कर रहे हैं पबजी अनबैन होने का। तो मेरी इंस्टाग्राम और ट्विटर की आईडी भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कोई डाउट है पूछ सकते हैं, एंड मैं वहाँ पर भी अच्छे अच्छे स्टेप्स डालने वाला हूँ और डालता भी हूँ। तो वहाँ पर मैं यूट्यूब से पहले न्यूज़ डाल देता हूँ, तो इंस्टाग्राम ट्विटर को भी फॉलो कर लेना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।